We need continuation. You save nation. We want continuation. Continuation. We need continuation. We need continuation. Save you save nation. करो इंसाफ करो इंसाफ करो गोदा से का इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो गोदा से का इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो गोदा से का इंसाफ करो continuation. Save nation. Save nation. Save nation. इंसाफ करो Save you! Save nation! Save you! Save nation! Justice! We want justice! We want justice! Continuation! Continuation! Save nation! Save nation! We need continuation! We need continuation! Continuation! We need continuation! मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं गुरेज से बिलोंग करता हूं। मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूं। 2018 में हमें अपॉइंट किया गया था एक कैबिनेट डिसीजन के अंदर, तो उसके बाद हमें 2019 को डिसंगेज किया गया विदाउट एनी नोट्स। तो हमें उससे पहले दो कंटिन्यूशन मिली, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई सुनता भी नहीं है। हम आज यहाँ पर हम प्रोटेस्ट पे एक बार फिर आए ताकि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा जो मसला है वो हमारा मसला हल करे, क्योंकि इससे पहले भी हमारा जो मसला था जिससे कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर थे 2006 में 90s में उनको रेगुलराइज किया गया। बदकिस्मती का आलम यह है कि हम में से बहुत सारे एम फिल पी नेट सेट है जो कि मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छी तरह सर्व करते हैं, और हम 1200 में से कोई कैंडिडेट ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब ऐसा कैंडिडेट आपको एक नहीं मिलेगा जो एमएड बीएड के बगैर ही हाईली क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड है। टोटल आप कितने टीचर्स हैं? जी हम 1200 कैंडिडेट से, और बदकिस्मती का आलम यह है कि एक सोशल डिलिमा हम में आया है, एनजाइटी भी है, हम में डिप्रेशन भी है, क्योंकि बिकॉज सब जो मेजॉरिटी आप हमें कैंडिडेट्स जो है वो एज ओवर एज हो गए, एज लिमिट जो SSRB की होती है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब इस वक्त आप क्या चाहते हैं? हमारा मसला ये है कि 2006 की एनालॉगी पे हमें रेगुलराइज किया गया, वो जो 2006 में जिस तरह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को जिस हिसाब से उन्होंने रेगुलराइज किया, सेम हमें भी उसी तरह रेगुलराइज किया जाए।